प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र एवं देवी स्वरूप माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं, तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है, पैसों की कमी नहीं आती है तथा परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार बताई गई तुलसी के संबंध में 10 खास बातें। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन हैं एकादशी, रविवार और सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पर दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए, साथ ही प्रत्येक शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी का पौधा घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर शुभ असर होता है। तुलसी का पौधा घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नजर। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा आंगन में होने से घर वालों को बुरी नजर प्रभावित नहीं कर पाती, साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती, सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए घर में। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी अथवा तालाब में या फिर कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत लगा लेना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के पश्चात तुरंत ही तुलसी का दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी कारण से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी है औषधि। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को नष्ट करने में सहायक है। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। रोज तुलसी की एक पत्ती सेवन करने से मिलते हैं ये फायदे। तुलसी की सुगंध हमें श्वास संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से हम सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव हो सकता है। तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है, किंतु हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए। तुलसी में ये गुण होते हैं। तुलसी का सेवन करने से
कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजन में वर्जित है तुलसी के पत्ते। यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, किंतु शिव पूजन तथा गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में दो कथाएं बताई गई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों का राजा शंखचूड का वध किया था, जिसके फल स्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार श्री गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि वो एक ब्रह्मचारी है, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह करने का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप श्री गणेश ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया, एक दैत्य से विवाह का श्राप दे दिया और अपने पूजन में तुलसी को वर्जित कर दिया। इसीलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इस प्रकार की कुछ बातें तुलसी के संबंध में ध्यान रखनी आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।